गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका कमल फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा और सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं उन सभी के लिए गुड इवनिंग। उसके साथ साथ इस लिंक को, जो आज ऑनलाइन क्लास हो रही है, उसकी लिंक को फटाफट प्रकाश के बीच से शेयर करें। तो सभी बच्चे इस लिंक को शेयर कर दो और हम अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने साथियों को, सभी को जोड़ने की कोशिश करें। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अपना जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का, जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। और अपने सभी साथियों को सूचित करें कि कमल सर की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अपने चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये चैप्टर कौन सी फिजिक्स से लिया गया है, क्योंकि मैंने आपको 11th क्लास में फिजिक्स का डिवाइडेशन बताया था, विभाजन बताया था कि फिजिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, एक तो चिरसंबत भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। तो चिरसंबत भौतिकी के अंतर्गत भी मैंने आपको कई फिजिक्सों के नाम बताए थे, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत भी मैंने आपको कई फिजिक्सों के नाम बताए थे। तो ऐसे ही ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, ये जो चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और इसके बाद में दूसरा चैप्टर और है विद्युत विभव एवं धारिता। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं वो जिस फिजिक्स से लिए गए हैं वो हैं स्थिर विद्युत की। तो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है स्थिर विद्युत की, जिसमें से ये दो चैप्टर आपके लिए गए हैं। एक तो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर है विद्युत धारिता एवं विभव। तो ये दोनों चैप्टर स्थिर विद्युत की फिजिक्स से लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्थिर विद्युत की फिजिक्स है क्या। तो मैं कह रहा हूँ कि स्थिर विद्युत की फिजिक्स एक भौतिक विज्ञान की शाखा है, एक फिजिक्स की शाखा है। शाखा का मतलब आप समझ रहे होंगे, उसकी एक ब्रांच है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्थिर विद्युत की है क्या। तो स्थिर विद्युत की, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो स्थिर विद्युत की फिजिक्स से लिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि स्थिर विद्युत की है क्या। तो स्थिर विद्युत की को जानने के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, क्योंकि शब्द क्या है, देखो स्थिर विद्युत की, विद्युत आवेश, आपको कहीं ना कहीं तो सिमिलर लग ही रहे होंगे कि कुछ ना कुछ तो इनसे संबंध है ही। तो देखो इनसे क्या संबंध है कि स्थिर विद्युत की क्या है कि ये एक भौतिक विज्ञान की शाखा है। और कौन सी शाखा है? वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत आवेश या विद्युत आवेश कह सकते हो। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत आवेश या विद्युत आवेशों का समूह हो सकता है। अब ये आवेश होना चाहिए स्थिर, क्योंकि नाम क्या है स्थिर विद्युत की। तो आवेश कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो अब परिभाषा क्या होगी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश या स्थिर विद्युत आवेशों का कोई समूह हो सकता है। तो स्थिर विद्युत आवेश या स्थिर विद्युत आवेशों का समूह का अध्ययन किया जाता है। तो उस भौतिक विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहते हैं। तो ये क्लियर हो गई बात, क्योंकि यहाँ क्या है कि विद्युत आवेश है, और विद्युत आवेश कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत आवेश या स्थिर विद्युत आवेशों का कोई समूह हो और उसका हम अध्ययन करें, तो उस शाखा को हम क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत की कहेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, बताओ जल्दी। स्थिर विद्युत आवेश किसका? स्थिर विद्युत आवेश, आवेश या इनका समूह हो, या उनके समूह का अध्ययन किया जाता है,
अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। मैं आपको ये सभी बताऊंगा कि विद्युत आवेश क्या है, अब स्थिर विद्युत की शब्द कहाँ से आया, वो मैं सभी हिस्ट्री आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत की कहते हैं, स्थिर विद्युत की कहते हैं। तो यहाँ स्थिर विद्युत की क्या है, स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। तो ये आपको याद रखना है कि जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश या कोई स्थिर आवेशों का समूह हो सकता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, या उसके बारे में और उसके साथ साथ उसके गुणधर्मों को भी पढ़ते हैं। तो इसमें इसके सभी गुणधर्मों को पढ़ेंगे, वो स्थिर आवेश के गुणधर्म होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि स्थिर विद्युत का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। बहुत सी जगह स्थिर विद्युत की फिजिक्स है, या हम ये कह सकते हैं हमारे बहुत से काम है, बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें हम स्थिर विद्युत की के सिद्धांतों का पालन करते हैं। बहुत सी मशीनें हैं उसमें हम स्थिर विद्युत की पर आधारित हैं वो। तो उन सभी के बारे में एक से मैं दो चार एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तो इसकी अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं, स्थिर विद्युत की के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। तो अनुप्रयोग इसका क्या क्या उपयोग है, देखो सबसे पहले अनुप्रयोग की बात करें तो नंबर एक, जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें, या आप ये कह सकते हैं जो फोटोकॉपी मशीन होती है वो स्थिर विद्युत की के सिद्धांतों पर आधारित होती है। फोटोकॉपी मशीन स्थिर विद्युत की के नियमों का, सिद्धांतों का पालन करती है। अब वो कैसे करती है, पहले हम स्थिर विद्युत की के दो चैप्टरों को पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमारी समझ में ऑटोमेटिक आएंगे किस प्रकार से उन सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहाँ फिलहाल मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो नंबर एक फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन किसके सिद्धांतों और नियमों पर आधारित है, स्थिर विद्युत की फिजिक्स के सिद्धांतों और नियमों पर आधारित है। और नंबर दो आप कह सकते हो कंप्यूटर, जो प्रिंटर होता है वो भी इसी पर आधारित है। तो कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर, ठीक है। नंबर तीन, जो आपका मेमोरी कार्ड आता है जिसको आप चिप बोलते हैं, जो मेमोरी कार्ड होता है तो इसको हिंदी में तो स्मृति कहेंगे, तो विद्युत स्मृति में, या आप कह सकते हो स्थिर विद्युत स्मृति में, स्थिर विद्युत स्मृति में, वो स्थिर विद्युत स्मृति का मतलब जो मेमोरी कार्ड आता है जो मोबाइल में डालते हैं, जैसे कंप्यूटर के लिए मेमोरी कार्ड होता है उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो जो हार्ड डिस्क होती है या जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें, या वो मेमोरी कार्ड किसके नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है, वो किस फिजिक्स की, स्थिर विद्युत की फिजिक्स के नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है। और जैसे उदाहरण और भी दे सकते हो, नंबर चार, जो भूकंप मापी है जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, तो सिस्मोग्राफी में, या आप ये कह सकते हो कि भूकंप लेखी या भूकंप मापी में, तो भूकंप लेखी में, भूकंप लेखी में, तो भूकंप लेखी में किसका उपयोग किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं भूकंप लेखी किसके नियमों या सिद्धांतों पर आधारित है, वो स्थिर विद्युत की है। ये बहुत से उदाहरण हैं, स्थिर विद्युत के दैनिक जीवन बहुत उपयोग हैं। तो आप ETC कर सकते हो आदि, दैनिक जीवन में भी आप वैसे देख सकते हो कि जैसे हमारे अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है, ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें उसकी जो तंत्रिका कोशिकाएँ हैं उसमें सूचनाओं को, जैसे आपके पैर में कांटा लग गया, अब उस कांटे की सूचना आपके मेरुरज्जु तक जाएगी और तुरंत आपका पैर उस कांटे से हट जाएगा। तो वो जो सूचना गई वो किसके माध्यम से गई, वो आवेश के माध्यम से गई, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र में आवेश गमन करता है। तो वहाँ आवेश तुरंत संचरित होता है, और तुरंत संचरित होकर के जैसे आपके पैर में कांटा लगा और उसकी सूचना किसको मिल गई, आपके मेरुरज्जु को मिल गई, और मेरुरज्जु किसको देगा, ब्रेन को देगा। लेकिन हालांकि मेरुरज्जु तुरंत एक्शन लेता है और वो पैर हट जाता है। तो वहाँ जो सूचना पैर से लेकर के आपकी मेरुरज्जु तक गई, वहाँ किसका उपयोग हुआ, आवेश का, ध्यान रखना, तो आवेश हुआ। और आपने सुना होगा और भी उदाहरण है, जैसे तारपीडो इलेक्ट्रॉनिक इल मछली, उसको पकड़ने पर एकदम झटका लगता है, करंट जैसा झटका लगता है, तो उसके अंदर क्या है, उसका भी तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें आवेश का संचरण होता है। जैसे ही कोई स्पर्श करता है तो उसमें आवेश का संचरण होता है, जिससे वो वहाँ हमें करंट महसूस होता है। करंट महसूस होने का मतलब वहाँ आवेश महसूस होता है। तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको ये तीन चार एग्जाम्पल याद रखनी है जो कि किस पर आधारित हैं, स्थिर विद्युत की जो फिजिक्स है उसके सिद्धांतों एवं नियमों पर
आधारित हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि स्थिर विद्युत की में से आपके में से कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं। तो आपकी जो स्थिर विद्युत की फिजिक्स है, स्थिर विद्युत की आपकी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में, इसमें से दो चैप्टर लिए गए हैं, तो वो दो चैप्टर देख लेते हैं, नंबर एक और नंबर दो। देखो नंबर एक जो चैप्टर है वो कौन सा है, एक तो पहला चैप्टर ही हो गया विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो पहला चैप्टर कौन सा है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। दूसरा चैप्टर कौन सा है, विद्युत विभव, विद्युत विभव एवं धारिता। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें स्थिर विद्युत की फिजिक्स से कौन कौन से दो चैप्टर लिए गए हैं, एक तो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और दूसरा चैप्टर क्या है, विद्युत विभव एवं धारिता। तो ये मैटर किसका है, स्थिर विद्युत के बारे में हो गया। अब इसके बाद में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर को स्टार्ट करने में विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो विद्युत आवेश क्या है ये समझ लेते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है, देखो हम हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हम क्या उठा लेते हैं, विद्युत आवेश क्या है, ये शब्द कहाँ से आया, या स्थिर विद्युत की फिजिक्स है वो स्थिर विद्युत की शब्द है वो कहाँ से आया, हम उसके बारे में जान लेते हैं। देखो विद्युत आवेश अपना टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश। अब हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत आवेश का इतिहास कह सकते हो, का इतिहास, ये मैं आपको संक्षिप्त इतिहास सुनाऊंगा यहाँ, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में इतना ज़्यादा लेंथी नहीं दिया है। तो देखो सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में बात किया है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए थे, साइंटिस्ट क्या आप ये कह सकते हो, वो गणितज्ञ थे। आपने थेल्स नाम सुना होगा, टेंथ क्लास में आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी, तो मैथ में पढ़ी थी वो, तो ये गणितज्ञ थे। तो सबसे पहले जो आवेश के बारे में कुछ कहा था वो थेल्स साहब थे, उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया था, उन्होंने कोई ऐसा कोई लिखित नोट नहीं है उनका कि जिससे उन्होंने कहा था कि ये आवेश इस प्रकार से है। तो उन्होंने थोड़ी सी जानकारी दी थी उसके बारे में, थोड़ा सा बताया था, वो हम समझ लेते हैं उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले नंबर एक, सबसे पहले किसने बताया था आवेश के बारे में, या आवेश से संबंधित घटना के बारे में किसने बताया था, वो थे थेल्स साहब, या थेल्स कह सकते हो। तो थेल्स नंबर एक, थेल्स सबसे पहले थेल्स हुए थे, और ये बात है लगभग 600 ईसा पूर्व की, क्योंकि थेल्स साहब का जन्म कब हुआ था, 624 ईसा पूर्व हुआ था, और वो स्वर्गीय कब हो गए थे, वो हुए थे 548 ईसा पूर्व। तो यहाँ हमें उनकी जन्म से मृत्यु से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल यहाँ ये पढ़ना है कि थेल्स साहब ने किस प्रकार से प्रयोग किया था और उन्होंने उसके बारे में क्या कहा था। तो थेल्स इस ये लगभग बात कब की कर रहे हैं हम, 600 ईसा पूर्व की, प्लस ये थेल्स साहब थे कहाँ के, ये कहाँ के थे, ग्रीक के थे, और वो भी गणितज्ञ थे, न कि भौतिक वेद। तो थेल्स कौन थे, ग्रीक गणितज्ञ। अब बात कब की है, 600 लगभग कह सकते हो आप, लगभग 600 ईसा पूर्व। तो थेल्स साहब ग्रीक के गणितज्ञ थे, और इसकी इनकी प्रमेय के बारे में आपने टेंथ क्लास में प्रमेय पढ़ी है, तो थेल्स प्रमेय, तो ये वही थेल्स साहब हैं। तो ये
क्या हुआ था कि एक बार ये बाल्टिक सागर के किनारे बैठे हुए थे। थेल साहब कहाँ बैठे थे? बाल्टिक सागर के किनारे। ये बाल्टिक सागर यूरोप महाद्वीप में मिलता है, तो वहाँ बैठे हुए थे। तो इन्होंने, इनके हाथ में कोई एक पदार्थ आ गया जिसको वहाँ वहाँ की लैंग्वेज में, जहाँ ये बाल्टिक सागर किनारे बैठे थे वहाँ उसको एम्बर कहते थे। तो उस पदार्थ को इन्होंने क्या किया कि आकस्मिक की वैसी रगड़ना स्टार्ट किया, और रगड़ने के बाद में इन्होंने पाया कि वह जो एम्बर नामक पदार्थ है जो कि बाल्टिक सागर के किनारे पर पाया जाता है, तो वहाँ वो जो एम्बर नामक पदार्थ है वो अन्य छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे पार्टिकल्सों को, कागज़ के टुकड़ों को, जो भी धूल के कण थे उनको वह अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये कब प्रेक्षित किया था उन्होंने? एम्बर नामक पदार्थ को रगड़ने के बाद थेल साहब ने प्रेक्षित किया कि वह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसा क्यों? तो थेल साहब ने ये प्रेक्षित किया था, केवल इस घटना को ही प्रेक्षित किया, उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई लिखित कोई नोट प्रस्तुत किया था, अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो थेल्स साहब ने केवल घटना को प्रेक्षित किया था, उन्होंने बताया कि एम्बर नामक पदार्थ है, उसको रगड़ने पर वह अन्य छोटे छोटे पार्टिकल्सों को, चाहे वो कागज़ के टुकड़े हों, चाहे धूल या मिट्टी के टुकड़े हों, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये घटना को किसने प्रेक्षित किया था? थेल्स साहब ने। तो इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? थेल्स साहब ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था कि एम्बर नामक पदार्थ को रगड़ने से वह अन्य छोटे छोटे धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस घटना को प्रेक्षित किया। तो यहाँ लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, आपके समझ में भी आ गया होगा। तो बस केवल इन्होंने इतना ही किया था। नंबर दो कौन आए थे? नंबर एक थेल्स साहब हो गए, नंबर दो विलियम गिलबर्ट थे। नाम क्या है? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हेलो आई बाय भेज दें, और अपना नाम और स्कूल का नाम भेज दें, मैं उस पर नोट्स भेज दूंगा। जो भी क्लासेज हो जाए उसके बाद में मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। उन नोट्सों को आपको नोटबुक में लिखना है, ऐसे नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया आपने कि वो नोट्सों केवल पढ़ लिया, आपको नोटबुक में लिखना है, प्रॉपर नोट्स आपको अपने बनाने हैं। तो मैं पढ़ाने के बाद आपके लिए नोट्स व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ठीक है? तो विलियम गिलबर्ट, तो विलियम गिलबर्ट ने क्या किया? तो इन्होंने भी ऐसा कोई ऐसे नहीं है कि कोई बड़ा शोध पत्र प्रस्तुत किया हो। इन्होंने क्या किया कि थेल्स साहब ने जो एम्बर नामक पदार्थ था, देखो यहाँ जो एम्बर नामक पदार्थ है, एम्बर नामक पदार्थ को वहाँ ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते थे। ग्रीक भाषा में क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन। लैटिन भाषा में इलेक्ट्रम कहते थे। तो इसको एम्बर को क्या कहते थे? इलेक्ट्रम। और ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से आप समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन शब्द कहाँ से आया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, केवल आप ये याद रखना कि एम्बर शब्द कहाँ से लिया है हमने, किसकी घटना से लिया है? थेल्स साहब ने जो प्रेक्षण किया था उससे हमने एम्बर शब्द लिया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ विलियम गिलबर्ट ने क्या किया कि जो थेल्स साहब ने केवल एम्बर नामक पदार्थ से इस घटना को प्रेक्षित किया, तो विलियम गिलबर्ट साहब ने सोचा क्या एम्बर ही अकेला इस प्रकृति में है जो ऐसी घटना प्रदर्शित कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ अन्य घटनाओं को जानने के लिए बहुत सी वस्तुएं ली, उनको रगड़ना स्टार्ट किया, तो उन्होंने पाया कि एम्बर के अलावा इस प्रकृति में अन्य वस्तुएँ भी हैं जो एम्बर की भांति व्यवहार प्रदर्शित कर रही हैं, अर्थात छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे पार्टिकल्सों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जैसे उन्होंने कई एग्जांपल्स भी दिए थे। तो विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, एम्बर की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने वाले अन्य पदार्थों को खोजा, जैसे इन्होंने देखा कि जब उन्होंने कांच की कोई छड़ ली थी, उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा
तो कांच की छड़ के अंदर एम्बर जैसे गुण आ गए, जैसे एम्बर को रगड़ने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था, वैसे ही कांच की छड़ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लग गई थी। वो आपने भी ये बचपन में एक प्रैक्टिकल किया होगा कि स्केल को आप बालों से रगड़ने के बाद में जब आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वह स्केल उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, करती है कि नहीं, ये आपने खूब बचपन में परीक्षित किया है, तो आप भी थैल से कम नहीं थे। तो यहाँ देखो, एम्बर की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने वाले अन्य पदार्थों को खोजा किसने? विलियम गिलबर्ट ने। तो इन्होंने, जैसे मैं एग्जांपल दूं इनका, कि कांच की छड़ को किस पर रगड़ा था इन्होंने? रेशम के कपड़े पर। तो कांच की छड़, कांच की छड़ को किस पर रगड़ा था इन्होंने? रेशम के कपड़े पर, रेशम का कपड़ा। ऐसे ही बिल्ली की खाल पर इन्होंने एवोनाइट की छड़ को रगड़ा। आप ही कहोगे क्या सर, इसको इनको बिल्ली की खाली मिली थी। अब प्रयोग होते हैं तो ऐसे ही कुछ अद्भुत ही होते हैं। तो यहाँ बिल्ली की खाल पर किसको रगड़ा था? बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल पर एबोनाइट की छड़। अब ये एबोनाइट जो शब्द है, आपने केमिस्ट्री में बहुलक पढ़े होंगे, बहुलक में ताप दृढ़ बहुलक पढ़े होंगे, जो वहाँ बेकेलाइट उदाहरण पढ़ा होगा, तो वहीं ये ताप दृढ़ बहुलक क्या है? एबोनाइट है। ठीक है, तो एबोनाइट एक पदार्थ है, वो क्या है? ताप दृढ़ बहुलक है। तो यहाँ एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, जो कुकर का अत्ता होता है उसको ब्लैक कलर का लगा होता है, वो बेकेलाइट भी लगा सकते हैं वहाँ, एबोनाइट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एबोनाइट की छड़ को किस पर रगड़ा था उन्होंने? बिल्ली की खाल पर रगड़ के देखा। तो यहाँ एबोनाइट की छड़ भी किसकी भांति व्यवहार प्रदर्शित कर रही थी? एम्बर की भांति। तो ऐसे उन्होंने बहुत से प्रयोग किए थे। तो विलियम गिलबर्ट साहब ने क्या किया था? केवल केवल क्या किए थे? प्रयोग किए थे। इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया था। ऐसे थेल्स साहब थे, थेल्स साहब का जो प्रयोग था वो तो आकस्मिक ही हुआ था, क्योंकि वो बाल्टिक सागर के किनारे जब बैठे थे तो वो वैसे ही रगड़ रहे थे, एम्बर नामक जो पदार्थ था वहाँ, तो वहाँ उसको रगड़ रहे थे। तो इनको, इनका जो प्रयोग था ये तो आकस्मिक हुआ था, इनको इनके द्वारा देखी घटना तो क्या थी? आकस्मिक थी। और ये सिद्धांत इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये गणितज्ञ थे, भौतिकविद नहीं थे। भौतिकविद होते तो कुछ थोड़ा बहुत दो चार शब्द कही जाते। और ये तो, ये जो विलियम गिलबर्ट हैं, इन्होंने केवल प्रयोग किए थे कि एम्बर की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने वाले और कौन कौन से पदार्थ हैं। तो इनके मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जो विलियम गिलबर्ट साहब ने बताया था। तो एबोनाइट की छड़ को लिया था उन्होंने, और प्लास्टिक को लिया था, प्लास्टिक को, रबर को, उन्होंने उन्हीं कपड़े पर रगड़ के देखा तो सेम ऐसी, ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे जैसा एम्बर। तो यहाँ उन्हीं कपड़े पर किसको रगड़ा था? किस पर रगड़ा? ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़े पर किसको रगड़ा? रबर को, या आप कह सकते हो प्लास्टिक को। इसको किस पर रगड़ा? ऊनी कपड़े पर। तो ये दो चार एग्जांपल हैं, ये किसने दिए थे? विलियम गिलबर्ट साहब ने। और उन्होंने बताया कि जब इसको इस पर रगड़े, मतलब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली खाल पर रगड़ा जाए, रबर या प्लास्टिक को किस पर रगड़ा जाए? ऊनी कपड़े पर। तो जब इस पर रगड़ेंगे तो ये जो पदार्थ हैं इनमें एम्बर जैसे गुण आ जाते हैं। जब एम्बर को रगड़ा गया वो छोटे छोटे पार्टिकल्सों को आकर्षित कर रहा था, छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था, ऐसे ही ये भी अन्य छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लग गए। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, ना कोई सिद्धांत दिया, केवल एग्जाम्पल खोजिए। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो विलियम गिलबर्ट साहब ने केवल एग्जाम्पल खोजे कि एम्बर की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने वाले और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, और इन्होंने केवल उस घटना को प्रेक्षित किया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो अन्य साइंटिस्ट आए थे कि उन्होंने कैसे आवेश नाम दिया था, ये आवेश नाम कहाँ से आया। ध्यान रखना यहाँ मेन पॉइंट क्या है, एम्बर, यहीं से आवेश शब्द आएगा, वो देखते हैं हम कैसे आएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो, नंबर एक थेल्स साहब हो गए, नंबर दो विलियम गिलबर्ट साहब हो गए, अब इसके बाद में आएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, तो यहाँ तक याद होना चाहिए, साथ ही साथ याद करते चलो। और कोई ऐसा पॉइंट आए जो, क्योंकि जो मैं नोट्स भेजूँगा उसमें केवल उन्हीं बातों को लिखूँगा जो आपके काम की हैं, और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं दे सकता हूँ, तो उसको नोटबुक और पेन लेकर के ही बैठें और साथ ही साथ नोट भी करते जाएँ और स्क्रीनशॉट ले लें, उसको बाद में पढ़ लें। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी, नंबर तीन,
बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। देखो यहाँ अब तक हम पढ़ चुके हैं कि थेल्स साहब ने, यहाँ हम अब तक पढ़ चुके हैं कि थेल्स साहब ने क्या बताया था कि एक एम्बर नामक पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकलों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसके बाद में उससे संबंधित अन्य प्रयोग किसने किए थे, विलियम गिलबर्ट ने किए थे। अब इनको, इनका ढंग से अध्ययन किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इनका ढंग से अध्ययन किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अध्ययन करने के बाद में उन्होंने बताया कि जो वस्तुओं में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक स्केल को लेकर के जब आप बालों से रगड़ने के बाद में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो वह स्केल उन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा किस कारण हो रहा है, तो उसको ये जो पदार्थ के अंदर गुण आया है, गुण कौन सा है, आकर्षण का, बस छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का जो गुण आया है पदार्थ के अंदर, उस गुण को नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश कहा। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं, आवेश कोई पदार्थ नहीं है, आवेश क्या है, आवेश वस्तु का एक गुण है। आवेश क्या है, वस्तु का एक गुण है। वो कब आता है, वो या तो किसी घर्षण के द्वारा या कोई अन्य विधि होगी उसके द्वारा। तो ये जो जब गुण किसी वस्तु में आता है घर्षण द्वारा अन्य या किसी विधि द्वारा, तो यदि ये गुण किसी वस्तु में आता है तो वह अन्य छोटे छोटे कणों को या पार्टिकल्सों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस गुण को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश कहा। ध्यान रखना आवेश क्या, एक गुण है। आवेश को एक दूसरे तरीके से और मैं परिभाषित करूँगा यहाँ से आगे, क्योंकि जो आवेश होता है यदि वह स्थिर अवस्था में, आवेश कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में, तो वह अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। आपके माइंड में ये भी बात आ रही होगी क्षेत्र कहीं वहीं से संबंधित तो नहीं है, तो बिल्कुल एग्जिट बात है कि क्षेत्र किससे संबंधित है, कि स्थिर आवेश से संबंधित है। ठीक है, तो जो स्थिर आवेश है, गतिशील नहीं है, स्थिर की बात कर रहा हूँ मैं, यदि आवेश कैसा है, स्थिर है, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण वो वस्तुओं को, कोई अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित भी कर सकता है, क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे, तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो वो जो गुण आया है वो उसके चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण है, जिसका अध्ययन भी हम करेंगे इसी चैप्टर में करेंगे। तो ध्यान रखना स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। यदि कोई समान वेग से गतिशील आवेश है, समान वेग से गतिशील आवेश है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि स्थिर आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और समान वेग से गतिशील आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश नाम दिया, क्या दिया, आवेश का नामकरण किया, या आप ही कह सकते हो उन्होंने क्या दिया, आवेश नाम दिया, आवेश नाम दिया। अब देख लेते हैं, देखो इन्होंने आवेश नाम कैसे दिया था। मैंने आपको कहा था एक एम्बर नामक पदार्थ है, बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है, थेल साहब ने इस पर प्रयोग किया था, तो उसी एम्बर को मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो सबसे पहले पदार्थ कौन सा था, एम्बर। पदार्थ क्या है, एम्बर। अब एम्बर एक पदार्थ का नाम हो गया। इसके बाद एम्बर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रम। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम। ये कौन सी भाषा है, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा। ठीक है, इलेक्ट्रम लैटिन भाषा हो गई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सी लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा। ठीक है, तो एम्बर को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रम, और ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी, ये इलेक्ट्रॉन कहीं वही इलेक्ट्रॉन तो नहीं है जो परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन का नाम यहाँ से आया था। वो जो इलेक्ट्रॉन शब्द आया था वो कहाँ से आया था, वो यहाँ से आया था। ठीक है, अब इसे इलेक्ट्रॉन से शब्द क्या बना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि
जब आवेशों का प्रभाव होता है तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो आवेशों के प्रभाव की दर का मतलब आवेश किस पर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या पाया जाता है? ऋण आवेश। तो यहाँ ऋण आवेशों का प्रभाव हो रहा है या धन आवेशों का भी प्रभाव हो सकता है, तो आवेशों के प्रभाव की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात यहाँ विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी शब्द वो कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा, इलेक्ट्रॉन से आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो रहा है मतलब आवेशों का प्रभाव हो रहा है। तो हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न हुई, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई, तो इलेक्ट्रॉन से शब्द क्या बना? इलेक्ट्रिक सिटी। क्या बना? तो इलेक्ट्रिक सिटी कहाँ से बना? इलेक्ट्रॉन से, जिसको हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो? स्थिर विद्युत, या आप इसको विद्युत धारा कह सकते हो, ठीक है, स्थिर विद्युत। अब यहाँ इसी से शब्द क्या बनाया? देखो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या आप ये कह सकते हो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ क्या बना? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत आवेश, आप इसको विद्युत धारा कर लो, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इस तरह विद्युत भी कह सकते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होगा? विद्युत आवेश या विद्युत आवेश, ठीक है, दोनों एक ही बात है, विद्युत आवेश या विद्युत आवेश, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत आवेश, तो मैं विद्युत ही कर देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज होंगे, विद्युत आवेश। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, कि विद्युत आवेश शब्द कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले एमन नामक पदार्थ था, लैटिन भाषा में जिसको इलेक्ट्रॉन कहते थे, ग्रीक भाषा में जिसको इलेक्ट्रॉन कहते थे। अब इलेक्ट्रॉन से क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी बनी। इलेक्ट्रिसिटी से क्या बना? इलेक्ट्रिक चार्ज बना। तो यहाँ विद्युत आवेश, विद्युत आवेश शब्द इस प्रकार से आया। तो ये क्रम आपको समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्रीन शॉट और ले लेना। तो अब इसके बाद में जो फिजिक्स है अपनी, फिजिक्स कौन सी पढ़ रहे हैं हम? स्थिर विद्युत की। तो हम यहाँ से, यहीं से शब्द क्या उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्थिर विद्युत की। क्या होता है? स्थिर विद्युत की। तो बच्चों, ये बात अच्छे समझ में आई होगी कि स्थिर विद्युत की शब्द कहाँ से आया, विद्युत आवेश शब्द कहाँ से आया? ये एम्बर नामक पदार्थ से, क्योंकि एम्बर कोई इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत या भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो स्क्रीन शॉट ले लो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ तक तो आवेश का नामकरण हो गया कि किस प्रकार से आवेश का नामकरण हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में और क्या क्या बताया था, ठीक है। तो देखो, इन्होंने बताया था कि जो विलियम गिलबर्ट ने जितने भी प्रयोग किए थे, तो उन प्रयोगों में कि कौन सी वस्तु पर कौन सा आवेश है, एक भी तो निर्धारण करना है, क्योंकि जब प्रयोग किया गया तो पता चला कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे मैंने इन दो मार्करों को आपस में रगड़ लिया, इस मार्कर को भी किसी से रगड़ लिया, तो रगड़ने के बाद में देखो पता चला कि किन्हीं दो मार्करों में तो प्रतिकर्षण हो रहा था, किन्हीं दो मार्करों में आकर्षण हो रहा था। तो जब इस घटना को देखा गया तो कहीं आकर्षण, कहीं प्रतिकर्षण, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस चीज़ का अध्ययन किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इन्होंने बताया कि जो वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है, वो एक वस्तु पर धनावेश होगा तो दूसरी वस्तु पर क्या होगा? ऋणावेश होगा, यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। अब आकर्षण किसके मध्य होगा, प्रतिकर्षण किसके मध्य होगा, ये इसके बारे में बताया था माइकल फैराडे ने, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। केवल इन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग था, विलियम गिलबर्ट का प्रयोग था, कि जब कांच की छड़ को
रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि कांच की छड़ पर धनावेश होगा और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश होगा, ये माना गया था। ये किसने माना? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था? नेक्स्ट नंबर दो पॉइंट क्या है इनका? नंबर दो, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए। कांच की छड़ को किस पर रगड़ा जाए? कांच की छड़ को किस पर रगड़ा जाए? रेशम के कपड़े पर। कांच की छड़ को किस पर रगड़ा जाए? रेशम के कपड़े पर। तब कांच की छड़ पर क्या आएगा बताओ? धनावेश। धनावेश ये केवल माना था, ऐसा नहीं है कि उनको पता, उन्होंने मान लिया कि कांच की छड़ पर तो धनावेश आ गया और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ गया। और रेशम के कपड़े पर उन्होंने क्या बताया था? क्या आ गया? ऋणावेश। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इसके अलावा और भी बात करेंगे, इन्होंने बहुत से काम किए थे। आवेश संरक्षण का नियम दिया था, तो ध्यान रखना तीसरा पॉइंट इनका क्या है? आवेश संरक्षण नियम दिया था। क्या दिया था? ये बातें कंपटीशन में पूछ ली जाती हैं कि निम्न में से आवेश संरक्षण नियम किसने दिया था, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से तो आवेश संरक्षण नियम, अब ये होता क्या है आवेश संरक्षण नियम, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम आगे कि आवेश संरक्षण नियम क्या होता है। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, इसकी तीनों बातें हैं। एक तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश नाम दिया, और उन्होंने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर आए आवेश को उन्होंने धनावेश माना, और रेशम के कपड़े पर आए आवेश को उन्होंने क्या माना? ऋणावेश माना। केवल यहीं तक की कहानी है, यहाँ से आगे धनावेश ऋणावेश के बीच क्या होता है, धनावेश धनावेश के बीच क्या होता है, ऋणावेश ऋणावेश के बीच क्या होता है, इसकी व्याख्या माइकल फेराडे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ केवल इन्होंने इतना ही बताया था, आवेश आवेश दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश होते हैं, और आवेश संरक्षण नियम भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है बताओ जल्दी? माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे कहाँ के थे ये बताओ? माइकल फेराडे ब्रिटिश के थे और बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन थे। ठीक है, तो ये अमेरिका के थे और ये ब्रिटिश के थे, लेकिन हालांकि एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि इनकी बैकग्राउंड से संबंधित, कंपटीशन में पूछ लें वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी जो वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है आप ये कह सकते हो, आपकी जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो माइकल फेराडे ने क्या बताया था? माइकल फेराडे ने बताया कि धनावेश धनावेश के मध्य प्रतिकर्षण, ऋणावेश ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण, तथा धनावेश ऋणावेश के मध्य आकर्षण होता है, या आप ये कह सकती हो सजातीय सजातीय आवेश, समझ रहे हो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? सजातीय आवेश आपस में क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। सजातीय आवेश आपस में क्या करते हैं? प्रतिकर्ष। सजातीय आवेशों में क्या पाया जाएगा? प्रतिकर्षण, आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। अब जो विजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेश, सजातीय आवेश समझ रहे होंगे, प्लस प्लस, प्रतिकर्षण किस किस के मध्य होगा? प्लस प्लस के मध्य और माइनस माइनस, इनके मध्य क्या पाया जाएगा? प्रतिकर्षण पाया जाएगा। ये किसने कहा था? माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे का शब्द खूब सुना होगा, तो इन्होंने और भी कमेंट में जल्दी बताओ कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, जल्दी बताओ, किसी को याद हो तो 10th क्लास से माइकल फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत याद है या नहीं है? तो माइकल फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत, तो इन्होंने अपने दो नियम भी दिए थे। विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, या वो आपस में क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश क्या करते हैं बताओ? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, विजातीय आवेश का मतलब होता है प्लस और माइनस से। माइकल फेराडे, हाँ इनके बारे में और बताओ जल्दी, पहली बात तो ये हो गई इनकी, दूसरी बात विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत दिया था इन्होंने,
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। और इनके बारे में और भी याद रखना कि विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। और माइकल फैराडे के दो नियम और प्रचलित हैं जिनको हम 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, आपने 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी कमेंट में बता दिया करो। तो नेक्स्ट आगे पढ़ें। तो ये आपकी हिस्ट्री होगी आवेश की। इसके बाद में अब हम आवेश की एक और परिभाषा जान लेते हैं। मैंने इससे पहले एक परिभाषा दी है कि जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो किसी वस्तु में घर्षण के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण उत्पन्न हुआ है उस गुण को मैंने क्या कहा था? आवेश, ठीक है। अब उसको एक और तरीके से परिभाषित कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, तो उसको देख लेते हैं। और गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिशील भी कैसा होना चाहिए? समान वेग से, क्योंकि त्वरित होगा तो उसका फंक्शन बदल जाएगा। त्वरित होने पर वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, बताओ। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, बताओ? विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान रखना, स्थिर आवेश अपने चारों क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। समान वेग से गतिशील आवेश क्या करेगा? समान वेग से गतिशील आवेश बताओ क्या उत्पन्न करता है? इसको मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, विद्युत क्षेत्र प्लस चुम्बकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा? चुम्बकीय क्षेत्र। और ध्यान रखना, त्वरित आवेश जो होगा उसके प्रति सेकंड वेग में क्या हो रहा होगा? परिवर्तन हो रहा होगा। तो जो त्वरित आवेश होगा वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुम्बकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और उसके साथ साथ विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। कि जैसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, माइक्रो किरण, रेडियो किरण, किसके उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के, ठीक है। तो यहाँ त्वरित आवेश भी लिख सकते हो, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र प्लस चुम्बकीय क्षेत्र प्लस क्या उत्पन्न करेगा, बताओ? विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। तो ये तीनों बातें समझ में आ गई कि नहीं? स्थिर आवेश, विद्युत क्षेत्र, समान वेग से गतिशील आवेश, विद्युत क्षेत्र, चुम्बकीय क्षेत्र, और त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो इसके इन गुणधर्म, स्थिर आवेश, विद्युत क्षेत्र, और ये विद्युत क्षेत्र प्लस चुम्बकीय क्षेत्र, तो हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु है, अब उसको हमने किसी पर रगड़ लिया, अब कोई भी अन्य प्रक्रिया, मैं आपको आवेशन की विधियाँ बताऊँगा, कई विधियाँ हैं जिनकी सहायता से हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो कोई प्रक्रिया हो सकती है जिसके द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण, किसी भी प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण, वो प्रक्रिया घर्षण हो सकती है, प्रेरण हो सकती है, स्पर्श या चालन हो सकती है, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो घर्षण द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण जिसके कारण उसके चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, और क्या उत्पन्न हो जाए? चुम्बकीय क्षेत्र। तो वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र व चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस गुण को हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। तो आवेश की दूसरी परिभाषा समझ में आ गई कि नहीं? आवेश की परिभाषा क्या है? कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण जिसके कारण उसके चारों विद्युत क्षेत्र व चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे हमने किसी वस्तु, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया, और रगड़ने से उसमें क्या उत्पन्न हो गया? आवेश। किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ने से उसमें क्या उत्पन्न हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। तो आवेश उत्पन्न किससे हुआ? रगड़ने से। तो जिस प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रिया कौन सी है? घर्षण। उसके द्वारा यदि किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है तो हम उसको कहेंगे घर्षण विद्युत प्रभाव। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत
प्रभाव। तो घर्षण वैद्युत प्रभाव समझ में आ गया, परिभाषाएँ छोटी छोटी सी जो काम आ जाती हैं। तो घर्षण वैद्युत प्रभाव क्या है, जब दो वस्तुओं आपस में रगड़ते हैं और वो वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो आवेशित होती हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, घर्षण वैद्युत प्रभाव। क्यों, घर्षण के द्वारा क्या उत्पन्न हुआ है, आवेश उत्पन्न हुआ है, वैद्युत उत्पन्न हुई, क्योंकि आवेश प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं, तो वैद्युत उत्पन्न हुई। तो कहने का मतलब जब दोस्तों को आपस में रगड़ा जा रहा है तो इस प्रक्रिया द्वारा वो वस्तुएं क्या हो रही हैं, आवेशित हो रही हैं, तो इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे, घर्षण वैद्युत प्रभाव कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मैटर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो गुड बाय बच्चों, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कलेक्ट हों तो मुझे भी उत्साहवर्धन हो, मैं भी आपको पढ़ाऊँ बड़ी एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ। आज तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन था तो, लेकिन नेक्स्ट डे हम एनर्जी के साथ ही पढ़ेंगे। आप भी एनर्जी के साथ रहो और हम भी एनर्जी के साथ ही पढ़ते हैं और फिजिक्स को कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, जब तक कमल फिजिक्स शुरू आपके साथ। ओके बाय।